मैं अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, भी अच्छे रैंक आ गया था प्लेसमेंट के टाइम, ये अफसोस रह जाएगी। मेरी एक ही ड्रीम रहा कि मुझे NIT जाना है। सर की मेटेरियल नहीं सफिशियंट था, तो पता चलता था कि सर की मेटेरियल इसी बुक से है, नहीं इसी बुक से है। मेरी मन में भी डर था कि अगर सर को ही फॉलो करो, बाकी कहीं मत। चलिए नीम सेट के एक और नए टॉपर से मिलते हैं, मौसमी से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 124 है, जो कि उड़ीसा से है। और मौसमी ने क्लास रह के पढ़ाई की एक साल पूरे और इतनी अच्छी रैंक दी। तो मौसमी, सबसे पहले तो इस रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने बहुत बार पिछले साल आपने इंटरव्यू देखे बच्चों के, आज आपके पास इंटरव्यू देने का समय आ गया। तो सबसे पहले बताओ कि आपका इंटायर जर्नी क्या था, कब आपने नीम सेट के लिए सोचा और फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की, और इस रैंक में क्या क्या चीजें थी जो आपने जिस पर वर्क किया। पिछले साल मैंने, पहले मेरी भाई आया था, उसकी रेफरेंस में मैं इम्पेटस में जुड़ी थी। फिर यहाँ आने के बाद पिछले साल मेरी अपियरिंग में थी मैं, तो इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। एनालिसिस भी मैंने अच्छे से नहीं कर पाई थी। सर ने जो मटेरियल दिए थे बस उसी को सॉल्व करी थी। मॉक टेस्ट को भी अच्छे से मैंने प्रॉपरली पूरे मॉक टेस्ट दे ही नहीं पाई थी। फिर बस मटेरियल सॉल्व करके मैंने रैंक थी पिछले साल 1000 प्लस थी। उसके बाद फिर मेरी पिछले साल ओडिशा जेई में भी अच्छे रैंक आ गया था, बट मैंने ली नहीं थी कि ये सोची थी कि इसी बार ले लूँगी, फिर प्लेसमेंट के टाइम ये अफसोस रह जाएगी, और एक साल दे देती तो शायद और अच्छी रैंक आ जाती, फिर अच्छी प्लेसमेंट भी हो जाती, तो ये अफसोस नहीं रखी। मेरी एक ही ड्रीम रहा कि मुझे NIT जाना है, और फिर मैंने ड्रॉप लेने की सोची थी, ड्रॉप ले लूँ और NIT जाना है मुझे। फिर इसी बार ऑफलाइन आई, सर के साथ भी बात हुई तो सर ने मोटिवेट करे कि हाँ चलो ऑफलाइन ले लो। तो फिर ऑफलाइन लेने के बाद बहुत सारे तकलीफ भी आई, फिर सर के साथ बात करी, सब कुछ हैंडल हुआ अच्छे से। बस इसी बार ये थी कि मैंने बुक एक ही बार में नहीं लगाई थी, इस बार की मेरी प्रिपरेशन थी। कई बच्चे ने बुक लगाए थे, मैंने ये देखी थी कि कुछ बच्चे ने RD ऑब्जेक्टिव लगा रहे थे, कुछ ने RD सब्जेक्टिव भी लगा रहे थे, किसी ने आर्यंत लगा रहे थे, बहुत सारे बुक से सॉल्व कर रहे थे। मेरी ये था कि मुझे सर की मटेरियल ही बस करनी है, बाकी मैंने और कुछ देखी नहीं थी। मैंने, सच बात है कि बुक एक ही बार करी नहीं थी, बुक की हर एक चैप्टर की 5-10 क्वेश्चन करी होगी, जो कि सर की स्पीड सेशन में करी थी। उसके अलावा मैं एक ही बार भी बुक नहीं करी थी, सर की मटेरियल ही सफिशियंट था। और इसी बार तो सर ने इसे इतना अच्छे कंटेंट दिए थे, कुछ बोलने की छोड़ने की चांस ही नहीं था, और क्वेश्चन पैटर्न भी अलग हो गई थी एग्ज़ाम की। बस 70 मिनट थी मैथ में, उससे हमें करनी थी बस 30, सर ने बोले थे, जैसे बोले थे 30-35 क्वेश्चन करनी है। मैंने बस पैनिक ना हो कि मुझे 40-50 करनी है तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कभी ये नहीं सोची थी। मैं बस करी थी 30 क्वेश्चन ही करी थी मैथ में। फिर LR में गई थी, बस सिंगल क्वेश्चन को उठाई थी। उसके बाद कंप्यूटर भी, मेरी, मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं थी। फिर इम्पेटस में मैं सिवन सर जो पढ़ाए थे उसी को पढ़ी थी। सिवन सर ने भी इसी बार बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर में भी मेरी अच्छी मार्क्स आई, जबकि मैंने नॉन बैकग्राउंड कंप्यूटर की बैकग्राउंड से भी नहीं थी। बाकी इम्पेटस की मेटेरियल और इम्पेटस की सारे लेक्चर्स सिवन सर की, ये सारे बहुत हेल्पफुल था हमारे लिए। तो बिल्कुल सही बोला मौसमी आपने, एक तो शिवम सर ने जो पोर्शन पढ़ाया कंप्यूटर का वही आया CUT में भी और NIMCET में भी। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी आपने बोली वो बहुत जरूरी थी कि कई बच्चों के साथ, कई बार बच्चे सोचते हैं हम ये गाइड कर लें ये कर लें, जबकि जरूरत नहीं थी, इतना हाई लेवल कंटेंट था, पर गाइड करने से कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपने अच्छी बात बताई कि आपने कोई गाइड सॉल्व नहीं की बट आपने बुक किया। वैसे भी मेरा बिलीव है कि गाइड, आप पढ़ाई ऐसी करो कि कोई भी गाइड आपसे सॉल्व हो जाए। ना आपके मटेरियल ऐसा था कि 5-6 बुक तो मिला हुआ था, एक ही बुक को हम प्रिफर कर रहे थे, तो पता चलता था कि सर की मेटेरियल इसी बुक से है, नहीं इसी बुक से है, तो 3-4 बुक मिला के आपके मेटेरियल था, जो कि बहुत सफिशियंट था। बिल्कुल सही बात बोली। तो अच्छा ये बताओ, जब आपने ड्रॉप लिया, क्योंकि लास्ट ईयर तो खैर आपने बहुत पढ़ाई सीरियसली की नहीं थी और फाइनल ईयर था, तो ये ड्रॉप ईयर था, ड्रॉप ईयर में भोपाल आके पढ़ाई करना, घर से निकलना, उस पर आपका क्या थॉट है, मतलब घर वालों का क्या सपोर्ट था? फिर आपने ड्रॉप जब लिया तो आपको अंदर कोई डर तो नहीं था, ये जरूर बताओ, क्योंकि कंप्रोमाइज करना नहीं था तो क्या सोचते थे? क्योंकि जो बच्चे कई बार कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते, या जिनको डर लगता है ड्रॉप लेने से, उनके लिए क्या मैसेज है आपका?
मेरे मन में भी डर था कि अगर एक साल फिर से दे दूं फिर एनआईटी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगी, घर वाले बोलेंगे एक साल फिर से दे दिया कुछ नहीं हुआ फिर। बट ये था कि मुझे इम्पेटस में जुड़ना है और सरासर को अच्छे से फॉलो करना है। मेरे मन में ये भरोसा था कि अगर सरासर को फॉलो करती रहूंगी तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगी। इसी भरोसे में मैंने ड्रॉप लेने से पीछे नहीं हटी थी आपको फॉलो करने के लिए। और जिस बच्चे ने ड्रॉप लेने में डरते हैं, मैं तो यही बोलूंगी कि डरो मत, क्योंकि आप आज अगर आपने किसी चीज को लेने के लिए सोच रहे हो फिर बाद में आपको ये अफसोस ना हो जाए कि और एक साल दे देते तो और अच्छा परफॉर्म कर पाते। बस ये डर ना हो, अफसोस ना रह जाए, इसलिए मैं बोलूंगी एक साल ड्रॉप ले लो और सरासर को फॉलो करो। अगर इम्पीटस में जुड़ रहे हो तो फिर सरासर को ही फॉलो करो, बाकी कहीं मत भटको। अच्छा ये बताओ, क्योंकि आपने एक साल भोपाल में पढ़ाई करी, तो भोपाल एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जब आप मैथ्स आए थे, जब मैथ्स में और पूरे साल में मैथ्स में क्या डिफरेंस फील किया? क्योंकि जब आप आए थे आपको लगता भी था मैथ्स आती है, बहुत सारी चीज़ें आती भी थी, पर क्या डिफरेंस फील किया और क्या चीज़ें जो थी आपकी नई डेवलप हुई? पहली बात तो मैंने उड़िया बोर्ड से थी तो मुझे इंग्लिश नहीं आता था, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ आके मुझे समझने में टाइम लग गया था कि मैथ कैसा होता है। मैंने तो क्वेश्चन समझने के लिए बहुत टाइम लग गया था कि मैथ के क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ये पूछा गया है। फिर मैं यहाँ आके जिंदगी में कुछ सीखी ना सीखी, मगर मैंने मैथ सीखी यहाँ पे आके। और मतलब बहुत अच्छे से मैंने मैथ, अब तो मतलब ऐसा ट्रिक भी सर ने निकाल के दे दिए। सबसे अच्छी थी कि सर ने जो करते हैं ऑप्शन को रिजेक्ट करो, तीन ऑप्शन से इसको, चारों ऑप्शन से तीन को रिजेक्ट करो एक को सिलेक्ट करो, वो बहुत अच्छा था। बस वही सीखी, सब यूनिक तरीके से सर ने जो ट्रिक सिखाए बस वही अच्छा रहा मेरे लिए, जीवन भर मेरी काम भी आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा मौसमी, आप ये बताओ, अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं मेरी जूनियर को, अगर ऑनलाइन बच्चे हैं तो उनको यही मैसेज दूंगी कि अच्छे से पढ़ाई को सीरियस कीजिए और सर की मटेरियल ही सफिशियंट है। आपके पास बुक हो ना हो, आप बुक से सॉल्व कर रहे हो ना कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, सर की मटेरियल और हर एक मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करें बस। और ऑफलाइन बच्चे हो तो क्लास रेगुलरिटी मेंटेन करते रखे हर एक ऑफलाइन क्लास। ये नहीं कि ऑफलाइन बच्चे बहुत बार ये सोचते हैं कि हम हॉस्टल में रुक के भी क्लास कर ले, ये ना करें, रेगुलरिटी मेंटेन करके फिजिकली क्लास को अटेंड करें। बस यही बोलेंगे, और सर को अच्छे से फॉलो करें, सर ने जो बोले हर एक बात को अच्छे से सुने, बस यही। बिल्कुल सही बोला मौसमी आपने, और आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की, अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, अब एनआईटी में जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करना है, और जिस एरिया से आप आए हो वहाँ पर एजुकेशन अवेयरनेस का लेवल क्या है, वहां पे मीडियम है। हाँ, तो अब आपको वहाँ पे भी अवेयरनेस बढ़ानी है, क्योंकि बच्चे जब एक को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं तो और भी निकलते हैं, तो आप जहाँ से आए हो वहाँ पे अब आपको कोशिश करनी है कि आपके आगे आपके पीछे बहुत सारे लोग आगे बढ़े और अच्छा करें। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। थैंक यू।